अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीयेव के साथ और अजरबैजान की सीमा के करीब ये हादसा हुआ है। एक पहाड़ी पर ड्रोन ने क्रैशिंग साइट की पहचान भी कर ली है, जहां पर कुछ जलती हुई स्थिति चीज़ें दिखाई पड़ी हैं और इसी के बाद उसकी स्थिति पता करने के बाद ये कहा जा रहा है कि किसी के भी जिंदा बचने की संभावना बहुत कम है। ईरानी राष्ट्रपति अमेरिका में बने हुए एक बेल 212 हेलीकॉप्टर में सवार थे और ये एक मीडियम साइज का हेलीकॉप्टर है जिसमें पायलट के साथ 15 लोग तक बैठ सकते हैं। राष्ट्रपति रईसी के अलावा विदेश मंत्री हुसैन, पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर मलिक रहमती, तबरीज के इमाम मोहम्मद अली अल हशम, एक पायलट, को पायलट, क्रू चीफ, हेड ऑफ सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड उनके साथ सवार थे। यानी कि जिन जिन लोगों का जिक्र भी राजीव ने किया है, ये सभी लोग लापता भी हैं और इनके बचने के चांसेस भी ना के बराबर हैं। हालांकि वो बात अलग है कि ईरान में आम लोग भी और साथ ही साथ जो समर्थक हैं ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के, वो लोग भी मस्जिदों में दुआएं पढ़ रहे हैं, उनकी सलामती की दुआएं मांगी जा रही हैं। लेकिन जो कंडीशन अभी बनी हुई है यहाँ पर सड़क के रास्ते 20 से 40 टीमें ऐसी हैं जो घटनास्थल की तरफ रवाना कर दी गई हैं, लेकिन कोई सुराग ना मिलना ये भी एक चिंता का सबब बना हुआ है। साथ ही साथ दुखद खबर भी सामने आ सकती है जिसके चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हालांकि हम यही कहेंगे कि बेहतर खबर सामने आ जाए, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। हेलीकॉप्टर की कंडीशन देखने के बाद ये कहा जा रहा है शायद ही कोई जिंदा इस घटना में बचा हो। ईरान की जो स्पेशल फोर्सेज हैं IRGC, उनके सदस्य समेत तमाम ऐसे रेंजर्स हैं जो इस सर्च टीम का हिस्सा हैं। इनके पास छानबीन के लिए ड्रोन्स हैं, सर्च डॉग्स भी हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अंदाजा आप लगाइए घटनास्थल पर अगर 40 ऐसी टीमें रवाना की गई हैं तो बहुत जल्द कोई खबर सामने आ सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए रूस की तरफ से भी 50 रेस्क्यू स्पेशलिस्ट और 2 स्पेशल हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं। रूस के अलावा आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, कतर, सऊदी अरब और तुर्की के साथ साथ यूरोपीय कमीशन ने भी रईसी के हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए सैटेलाइट मैपिंग एक्टिवेट कर दिया है। यानी कि वो जो बाकी देश हैं उनके जरिए भी कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह से कोई भी जानकारी सामने आ जाए, जिससे कि ये जो संभावनाएं बनी हुई हैं, आशंकाएं बनी हुई हैं, इन पर विराम लगे।